उत्तराखंड राज्य के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक अस्थिरता लाने का काम किया है, निश्चित रूप से उससे उत्तराखंड के आम जन आहत है। 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के लोगों ने प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। सरकार उसके विपरीत आचरण करने का काम कर रही है और उत्तराखंड के लोग भाजपा के चाल चरित्र चेहरे को भली भांति पहचान चुके हैं, उस समय का इंतज़ार कर रहे हैं। नहीं, देखिए, जिस तरीके से सत्ता में बैठे हुए लोगों ने लगातार मुख्यमंत्री को बदलने की रीति चलाई है, वो कदापि उत्तराखंड के विकास को अवरुद्ध करने का काम करती है। एक मुख्यमंत्री बनाए, चार साल तक उनकी सरकार में मुख्यमंत्री के रहते सरकार चली और वो चले गए, उसके बाद दूसरे मुख्यमंत्री को नामित किया गया, वो चार महीने में उनकी वाप जो है विदाई हो गई है। और जिस तरीके से मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उनमें उन्होंने कहा कि संवैधानिक संकट होने की वजह से जो है उनको जाना पड़ा, कदापि उनका ये बयान उचित नहीं है। 10 मार्च को मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी और 10 मार्च को शपथ लेने के बाद उत्तराखंड राज्य के अंदर सल्ट का चुनाव हुआ था। मुख्यमंत्री अगर चाहते तो सल्ट का चुनाव लड़ करके विधानसभा का सदस्य बन सकते थे, लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, तो राष्ट्रीय नेतृत्व का स्पष्ट ये संकेत था कि वो ज़्यादा दिनों तक जो है तीरथ सिंह जी को मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड में नहीं देखना चाहते थे। देखिए, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को उत्तराखंड राज्य के अंदर जन सहयोग नहीं मिला। हमने 2002 से 2007 तक सरकार बनाने का काम किया, सरकार को चलाने का काम किया, 2012 से 17 तक जो है सरकार चलाने का काम किया है। तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के लोगों ने कांग्रेस को 2 बार प्रदेश में के अंदर सरकार बनाने का अवसर दिया और कांग्रेस ने लोगों की जनभावना के अनुरूप उत्तराखंड का चौमुखी विकास करने का काम किया है। आज उत्तराखंड के लोगों के सामने कांग्रेस का कार्यकाल भी है और भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकाल है। दोनों ही कार्यकालों में जमीन आसमान का फर्क है। कांग्रेस ने विकास को अमलीय जामा पहनाने का काम किया, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड राज्य के अंदर मुख्यमंत्रियों को बदलने का प्रयोग करने का काम किया।